मैं प्रयास करेंगे कि आपके लिए सीटेट की मैराथन क्लास लाने के लिए, और सीटेट की मैराथन क्लास लाने के मेरा एक उद्देश्य है कि परीक्षा के कुछ घड़ियां उल्टी चल रही है, कुछ ही घंटों बाद आपके प्रश्नपत्र डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगे और आपके हाथों में आपका प्रश्नपत्र भी आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं जैसे ही हमारे हाथ में और आपके हाथ में प्रश्नपत्र एडमिट कार्ड आता है, वैसे आपकी पढ़ाई की रफ्तार यदि बहुत तेज गति से बढ़ती है। तो आप सभी प्रशिक्षु साथी जिन्होंने CTET का आवेदन किया था और 7 जुलाई को पेपर होना निश्चित है, जैसा आपको भी पता है, तब जो मैं क्लासेस चलाऊंगा उसकी रफ्तार पहले से काफ़ी तीव्र गति से होगी और ये मैराथन क्लास में 15 दिन के अंदर पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। और सबसे बड़ी बात, आपको मैं इस 15 दिन में वो पढ़ा दूंगा जो भी तक सीटेट में ना आपने कहीं पढ़ा होगा, ना किसी से देखा होगा, ना मार्केट में से कोई किताबें होंगी, क्योंकि आप मेरे नोट्स ऑलरेडी लेके रखे हैं और अगर आपके पास मेरा नोट्स है तो पढ़ने में कोई समस्या और नहीं होगी। हाँ, मैथमेटिक्स की, EVS की, लैंग्वेज की, लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकेंड, बाल विकास की, सभी की मैराथन क्लासेस चलेंगी और मेरा उद्देश्य है कि आपको अंतिम रूप से चयन कराना या अंतिम रूप से चयनित कराना। इसके लिए जितना स्पीड मेरी होगी उतनी ही आपकी होनी चाहिए, क्योंकि सीटेट को पास करने की कुछ छोटी छोटी रणनीतियाँ हैं, वो रणनीतियाँ मैं धीरे धीरे आपसे साझा करता जाऊँगा और आपको बताऊँगा। और एक बात आप महसूस करेंगे कि वास्तव में आपने पहली बार में इतनी मेहनत के बाद सीटेट अच्छे अंकों के साथ क्वालीफाई कर गए। ये कहने में जितना आसान लगता है, वास्तव में करने में उतना कठिन है, लेकिन करने के लिए यदि आप हमारे साथ जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं आप सफल जरूर होंगे। आप बहुत सारे टीचरों को आपने देखा होगा सीटेट पढ़ाते हुए, वास्तव में कहते सीटेट लेकिन पढ़ाते UPTET है। और सबसे बड़ी बात, बड़े बड़े यूट्यूबर को आपने भी देखा, मैंने भी देखा है, पहले तो बोर्ड पर लिख लेते हैं, फिर उसे पढ़ाते हैं, फिर उसे मिटाते हैं, फिर पढ़ाते हैं, मतलब उनको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, वो आपको पढ़ाते। बड़े बड़े यूट्यूबर की बात कर रहे हैं जो कहते हैं टेट और सीटेट की मेरी बड़ी संस्थान है, और उससे भी बड़ी बात, उससे भी ज़्यादा लोग मोबाइल में किताब PDF बना के उसको पूरा पढ़ाते हैं। तो ऐसी पढ़ाई आपको नहीं चाहिए, आपको पढ़ाई वो चाहिए कि जो 15 दिन के अंदर आपको ये समझा दे कि सीटेट होता क्या है। वास्तव में जितना आपने सीटेट में पढ़ा तो उसकी कुछ चीज़ें मूल हैं जो मैंने आपको नोट्स के माध्यम से आपको अब तक पहुंचा दिए। आपने अगर मेरे नोट्स लिया होगा तो आपको ये बात पता हो गया होगा कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सीटेट में क्या होता है। इसलिए मैंने एक बार आपसे कहा था कि सबसे पहले आप पिछले ईयर के पेपर को सॉल्व कर लीजिए और सॉल्व करने के बाद फिर मैं आपको मैटर उपलब्ध कराऊंगा, फिर उस मैटर के बाद आप अपने जिंदगी का बेहतर देंगे। और बेहतर देने से मतलब ये है कि सफलता को और अपने नज़दीक लाना, क्योंकि सीटेट का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको ऑनलाइन क्लास जिन्होंने ज्वाइन किया होगा उनको पता होगा, उनको काफ़ी दिन से वीडियोज़ नहीं मिलने होंगे क्योंकि इतनी ज़्यादा तपन, इतनी ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, लेकिन मजबूरी ये है कि पढ़ाने की, जहाँ मैं पढ़ाता हूँ उस स्थान से आप परिचित होंगे। भली बात, देख रहे हैं पूरी टीन की चद्दर होती है, देख रहे हैं ना टीन की चद्दर, तो पूरा दिन तपता है, इसलिए वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा समस्या होती है, लेकिन फिर भी अब परीक्षा आपके सर पर है, मुझे अपना बेहतर देना और आपको अंतिम परिणाम तक ले जाना है, क्योंकि आप हम पे भरोसा किए हैं, तो भरोसा किए कहीं ना कहीं मुझे आपके भरोसे पर भी खड़े उतरना है। इसलिए जितनी मेहनत मैं करूंगा उससे दोगुनी मेहनत आप करेंगे, और मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि आप सीटेट आसानी से क्वालिफाई हो जाएंगे। सीटेट क्वालिफाई करना बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सीटेट में रट्टा कुछ नहीं मारना, कुछ कॉन्सेप्ट है बस उसी को समझना है। अब संस्कृत की, कल से संस्कृत, हिंदी, बाल विकास, मैथमेटिक्स, पर्यावरण, इन पांचों की और इंग्लिश की भी प्रारंभ हो जाएगी। कल से सारी क्लासेज आपको मैराथन के तौर पर लगभग 4 से 5-5 घंटे की मिलेगी। हाँ, लेकिन ये क्लासेज पेड क्लासेज थी, तो कुछ लोगों को कुछ वीडियोज आपको मिल पाएंगी, कुछ वीडियोज आपको नहीं मिल पाएंगी, उसके लिए हम पहले से क्षमा चाहते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी ज़्यादा शिकायतें उनकी भी आने लगी, सर हम लोगों ने पेड किया, हम लोगों ने आप पे भरोसा किया तो ये वीडियो सबको पब्लिक होगी, तो मुझे क्या मतलब, हम लोग क्यों जुड़े आपसे। इसलिए आप इस बात से नाराज ना होइएगा। हाँ, ऑलरेडी अगर आपने नोट्स लिया होगा तो आपको नोट्स से संबंधित सारी जानकारी मिल गई होगी, और नोट्स को एक बार पूरा पढ़ लीजिए, क्योंकि जब मैं पढ़ाऊंगा तो नोट्स के आधार पर ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं लेक्चर देता हुआ जाऊंगा और वो चीज़ें सारी मेरी नोट्स में होंगी ऑलरेडी। अगर आपने नोट्स ले लिया, ठीक है, नहीं लिया है तभी भी आपके पास समय है, 6306344367 से आप नोट्स ले सकते हैं। और ऑनलाइन क्लासेज UPTET की भी, UPTET की 25 तारीख से शुरुआत हो जाएगी, और इसकी जो रेगुलर क्लासेज UPTET SuperTET की, वह 11 जुलाई से नोट्स इसके मिलने शुरू हो जाएंगे, लेकिन जो क्लासेज हैं आपकी ऑनलाइन वह क्लासेज 25 तारीख से प्रारंभ हो जाएंगी, 25 जून से। तो इसलिए आप अगर सीटेट, अगर आपने फॉर्म भरा तो सीटेट के लिए पढ़ते रहिए, और UPTET के लिए भी हमारे यहाँ एडमिशन चालू हो गया। और सबसे बड़ी बात, अब मेरी 3-4 बड़ी ब्रांचेज लग रही हैं, उसके बारे में आपको एक वीडियोज बना के मैं बताऊंगा, ब्रांचेज कैसे लगे, मेरी एक एप्लीकेशन आ गई, उस एप्लीकेशन की फैसिलिटीज क्या क्या है, मैं सारी बातें आपको क्रम से बताऊंगा, और मेरी कहाँ कहाँ ब्रांचेज लग रही हैं। और सबसे बड़ी बात कि जौनपुर जनपद में अगर आप पढ़ रहे हैं, जौनपुर जनपद जुड़े हुए, तो आपका मोस्ट वेलकम है, क्योंकि आप अगर मुझसे जुड़े हैं, मुझे जानते होंगे, तो अभी तक की आपने बहुत सारे कोचिंग संस्थान देखा होगा, बहुत सारे टीचर देखे होंगे, सारे टीचर अच्छे होते हैं, मैं नहीं जानता मैं बेहतर हूँ या नहीं, लेकिन आप कभी खुद से देखिएगा, कंपेयर करके देखिएगा, मेरे जैसा आपको इस स्टाफ पूरे UP में किसी के पास नहीं है कि पांचों फैकल्टी बेस्ट हो, जो लेक्चरर हो, बहुत सारे कोचिंग बेहतर है, पहले लिख लेते हैं,
फिर पढ़ाते हैं, फिर वीडियो को पोस्ट करते हैं, फिर लिखते हैं, फिर देख के पढ़ाते हैं। ऐसे ऐसे टीचर हैं जिनको खुद कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वो छात्र कॉन्सेप्ट क्या क्लियर करेंगे। क्योंकि आप भी अभ्यर्थी, मैं भी अभ्यर्थी, इतना मैं बेहतर समझा पाऊंगा। क्योंकि मैंने एक बार और बताया था कि आँख का अगर दर्द हो तो हम डॉक्टर आँख के पास जाते हैं, पैर के पास नहीं। अब सीटेट कि गणित यूपीटेट गणित वही पढ़ाता है, उनके रेलवे भी चलता है, बैंकिंग चलता है, सस्ती चलता है, आईएएस चलता है, पीसीएस लेखपाल सब पढ़ाते हैं। और कहेंगे टेटो गणित पढ़ाते हैं, सीटेटो गणित पढ़ाते हैं, वो पर्यावरण पढ़ाते हैं, पर्यावरण क्या पढ़ाते हैं, तो चार किताब के नाम बताएंगे, मोटी मोटी वही किताबें रट्टा मरवाते हैं, लाके छपवाते हैं, खाली ऐसी किताब रखते हैं, कहते बेटा छापो, बाल विकास के लिए छापो। ऐसे करना है तो मार्केट में बहुत सारी किताबें उपलब्ध है। इसलिए आप पढ़े लिखे हैं, बेहतर फैकल्टी का चुनाव करिएगा, क्योंकि जितना आप समझेंगे उतना बेहतर और कोई नहीं समझ पाएगा। इसलिए अभी भी समय है, और मेरी ऑनलाइन क्लासेज जल्दी कल से प्रारंभ हो जाएंगी, मैराथन क्लासेज रहेंगी जो आपको तब तक रहेंगी जब तक कोर्स कंप्लीट ना हो जाए, और ये सारी क्लासेज मैराथन चलेंगी। नोट्स आपके पास होगा, वीडियो लेक्चर आपके पास होगा, तो और तेज गति से आपको समझ में आएगा। उम्मीद करते हैं आप हमसे जुड़े रहेंगे, हमारे साथ रहेंगे और पूरी दुगनी मेहनत के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि इस बार सीटेट पार करना है। और अगली बार सुपर टेट यूपीटेट के लिए आपकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगी, जो बैचेज मैंने बता दिए 11 जुलाई 25 जुलाई से बैचेज प्रारंभ होंगी। आपका मोस्ट वेलकम है। इस वीडियो लिंक को सभी साथियों को शेयर कर दीजिएगा, अगर आपको बेहतर लगे ठीक है, नहीं बेहतर लगता कोई बात नहीं। और हाँ, अगर अनलाइक करने वाले तो अनलाइक जरूर कर दिए, क्योंकि हम जानते हैं आप कुछ ऐसे हैं जो इंतजार करते हैं सर की वीडियो है, पर वीडियो देखेंगे फिर अनलाइक करेंगे, तो उनका भी स्वागत है। जो लाइक करते हैं उनका भी स्वागत है। अनलाइक करने वाले हो सकता है कब तक अनलाइक करेंगे, जब महर्षि वाल्मीकि का नाम सुना होगा तो ज़्यादा कहानी पड़ेगा, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि कैसे बने, को एक डाकू से वाल्मीकि कैसे बन गए। हो सकता है जो इस तरह से हरकतें करते हैं किसी न किसी दिन हमसे प्रेरणा स्रोत होके, हो सकता है उनके विचार बदल जाए। लेकिन अभी तो विचार ऐसे हैं कि वीडियो जैसे आता है पहले अनलाइक पड़े तो गिनती का अनलाइक पड़ते हैं, अच्छा लगता है। और आप भी अपना बेहतर दीजिए, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। आप अपना काम करते रहे, हम अपना काम करते रहेंगे, देखते हैं अंतिम रूप से सफलता के लिए आपका, अगर आप सफल हो जाएंगे कहीं ना कहीं दुर्गा सर को जरूर याद करेंगे। बेशक आप अनलाइक करें, अनलाइक करें, ठीक है। इसी के साथ अपनी बात को विराम देते हैं। आपकी आगामी परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक। कुछ क्षण बाद, कुछ घंटों बाद आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगे, इसलिए आप इंतजार घड़ी खत्म, पढ़ाई शुरू करिए। नोट्स मेरे सभी तैयार रखिए, मैं नोट्स के आधार पर ही मेरी सारी क्लासेस चलेंगी। इसलिए नोट्स अगर आपने नहीं लिया तो अभी ले लीजिएगा, और नोट्स मेरा सब जितना बेहतर है, क्योंकि आपको मैंने कई बार बता दिया, इसलिए बार बार उस बात को रिपीट करना जरूरी नहीं समझते हम। आप तैयार हो जाइए पूरी तरह से, और हम आपके साथ आ रहे हैं अपनी मैराथन क्लास लेके अपनी पूरी टीम के साथ। तब तक के लिए, जब तक आप अंतिम रूप से चयनित नहीं हो जाते, लेकिन अभी ये क्लासेस फिलहाल सीटेट के लिए। इसी के साथ आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।